नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके साथ 29 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। आइए शुरू करते हैं 29 दिसंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न। 29 दिसंबर सन 1530 में मुगल शासक बाबर का बेटा हुमायूं उसका उत्तराधिकारी बना। 29 दिसंबर सन 1778 में ब्रिटेन की सेना ने अमेरिकी राज्य जॉर्जिया पर कब्जा किया। 29 दिसंबर सन 1845 में टेक्सास अमेरिका का 28वां राज्य बना। 29 दिसंबर सन 1911 में सुन यात्सेन को नए चीन गणतंत्र का राष्ट्रपति घोषित किया गया। मंगोलिया किंग वंश के शासक ने से आजाद हुआ। 29 दिसंबर सन 1922 में नीदरलैंड ने संविधान अंगीकार किया। 29 दिसंबर सन 1949 में यूरोपीय देश हंगरी में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 29 दिसंबर सन 1972 में कलकत्ता में मेट्रो रेल का काम शुरू हुआ था। 29 दिसंबर सन 1975 में ब्रिटेन में महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार से जुड़ा कानून लागू हुआ। 29 दिसंबर सन 1977 में विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर ड्राइव बम्बई अब मुंबई में खुला। 29 दिसंबर सन 1878 में स्पेन में संविधान प्रभाव में आया। 29 दिसंबर सन 1883 में भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में अधिकतम 236 रन वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए। 29 दिसंबर सन 1984 में कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे भारी बहुमत से संसदीय चुनाव जीता था। इस चुनाव में 28 सीटें जीतकर तेलुगु देश में सबसे बड़ी विपक्षीय पार्टी के तौर पर उभरी। 29 दिसंबर सन 1985 में श्रीलंका ने 43,000 भारतीयों को नागरिकता प्रदान की। 29 दिसंबर सन 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने वास्को विक्टोरिया पोस्ट ऑफिस संग्रहालय बंद हुआ। 29 दिसंबर सन 1989 में वाक्लाव होवेल 1948 के बाद पहली बार चेकोस्लोवाकिया में के गैर समयावादी राष्ट्रपति चुने गए। 29 दिसंबर सन 1996 में नाटो के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एकत्र होकर कार्य करने में के मुद्दे पर रूस एवं चीन ने सहमति दी। 29 दिसंबर सन 1998 में विश्व के पहले परमाणु बम बनाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक रेगर सेकरेबर का निधन हुआ। 29 दिसंबर सन 2002 में पाकिस्तान पर्यटकों को भारत के 3 शहरों में घूमने की अनुमति दी गई। 29 दिसंबर सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण इंडोनेशिया में मरने वालों की संख्या 60,000 पहुंची। 29 दिसंबर सन 2006 में चीन ने वर्ष 2006 में राष्ट्रीय रक्षा पर श्वेत पत्र जारी किया। अब लास्ट हमारा 29 दिसंबर सन 2012 में पाकिस्तान में पेशावर के समीप आतंकवादियों के हमले में 21 सुरक्षाकर्मी मारे गए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारे YouTube चैनल टुडे टुडे को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार की नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। धन्यवाद आपका मित्र।